नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। देश के दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री सनातन को लेकर आमने सामने हैं। तिरुपति लड्डू विवाद से भड़की सियासत अब आग की तरह फैलती जा रही है और इसके केंद्र में है आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम पवन कल्याण, जिन्होंने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सनातन की रक्षा करने का प्रण ले लिया है। पवन कल्याण ने कल तिरुपति में कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं और मुझे इस पर गर्व है। सनातन की रक्षा में अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो अफसोस नहीं होगा। उन्होंने तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन को भी ओपन चैलेंज कर दिया और कहा कि जो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं और सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, उनका खुद ही सर्वनाश हो जाएगा। इसका जवाब उदयनिधि ने सिर्फ 4 शब्दों के जरिए दिया है और कहा है, लेट्स वेट एंड वॉच। तो क्या सनातन के खिलाफ उदयनिधि के मन में नफरत जस की तस बनी है? पूछा गया कि सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का नाश हो जाएगा, तो उन्होंने क्यों कहा कि इंतजार करिए और देखिए। इधर पवन कल्याण ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से कर दी। उन्होंने राहुल गांधी को भी चुनौती देते हुए कह दिया कि आप पीएम मोदी से नफरत करें चलेगा, लेकिन भगवान राम का अपमान करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। आखिर पवन कल्याण इतने अग्रेसिव होकर क्यों सियासी बयानबाजी कर रहे हैं? क्या पवन कल्याण साउथ में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं? उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना की मांग कर दी है, साथ ही देश के सभी मंदिरों में प्रसाद के सनातन सर्टिफिकेशन की भी मांग कर दी है। इधर तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि करोड़ों भक्तों की भावना से जुड़ा हुआ यह मामला सियासी अखाड़े में तब्दील ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर धर्म और सियासत को अलग करना शायद नामुमकिन सा लगता है। जुबानी जंग तेज है, आज इन्हीं पहलुओं पर करेंगे बात दहाड़ की चर्चा में। लेकिन उससे पहले पवन कल्याण ने क्या कहा और इस पर उदयनिधि स्टालिन का जवाब क्या रहा, यह भी आप सुनिए। Anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. Amen. Unapologetic Sanatani Hindu. And I will also safeguard. I'm conveying this to the so-called secularists who ridicule my Sanatana Dharma. Let me tell you today, and I will safeguard my Sanatana Dharma with my life. When the honorable opposition leader, Sri Rahul Gandhi, says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the words of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the words of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. Okay, let's wait and see. Mr. Pawan Kalyan is acting at the behest of BJP party. He's acting like an agent and a double agent of the RSS and the BJP party. Today, Mr. Pawan Kalyan has no right whatsoever to talk about Rahul Gandhi ji while his party is in alliance with the BJP. It was the BJP that was the reason for the Godhra or the Manipur incidents. तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज जिस सवाल के इर्द गिर्द रहेगी चर्चा दहाड़ की, वो ये कि राहुल और उदयनिधि को पवन कल्याण की चुनौती आखिर क्यों है? क्या हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक साधने की कोशिश है? क्या दक्षिण भारत में सियासी मुद्दा बना पाएगा हिंदुत्व? क्या हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहते हैं पवन कल्याण? उदयनिधि के वेट एंड वॉच का आखिर मतलब क्या है? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय वर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणि महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु, चर्चा का हिस्सा हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और रमनीश बस जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में हमारे साथ शामिल है। रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता जी, क्या जरूरत पड़ी एकदम से पवन कल्याण को इस तरीके का बयान देने की, जो बयान
बयान उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक लंबे वक्त पहले दिया गया और जाहिर है कि उसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज वापस से उसको लाना, उसका जिक्र करना, इसके पीछे की मंशा पवन कल्याण की या बीजेपी की क्या समझनी चाहिए? रोहन गुप्ता। देखिए पूर्णिमा जी, जब सनातन की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, जैसे सबको लाइसेंस मिल गया कि जो चाहे उसका अपमान कर देगा और बाद में उसका ये लॉजिक देगा नहीं हिंदू तो बहुमती में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तरीका ठीक नहीं। आज जो तमिलनाडु के जो डिप्टी सीएम बने उनका जो बयान सनातन के खिलाफ का था, भगवान राम के खिलाफ का था, तो आहत तो होंगे सारे भक्त आहत है। ये नहीं होता है कि अगर हिंदू बहुमती में है तो उसके लिए कोई बोलेगा नहीं, या ये नहीं होगा कि अगर हिंदू बहुमती है तो जिसका मन चाहे वो अपमान कर देगा, ये नहीं होगा कि हिंदू बहुमती है तो जहां हिंदू लघुमती में है बांग्लादेश वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो यहाँ के सबके मुंह में दही जम जाएगा जो गाजा के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सब धर्मों का महत्व है, हमारे देश में सारे धर्म है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू धर्म बहुकुल बहुमूल लोग हैं यहाँ पे उसके अधिकारों का हनन किया जाए या किसी को लाइसेंस है। मुझे लगता है कि इसी के कारण अब तो वहां पे चुनाव भी नहीं है पूर्णिमा जी, तो कोई कारण नहीं है कि कोई ये राजनीतिक बात है, पर ये हर एक हिंदू के मन की बात है कि सनातन की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, उसका अपमान जब होता है तब सबको उसके खिलाफ बोलना चाहिए और उसका सम्मान रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ठीक है, अजय वर्मा जी आपके पास आते हुए, लेट्स वेट एंड वॉच, क्या समझा जाए कि उदयनिधि स्टालिन के मन में अभी भी सनातन को लेकर वैसी ही हीन भावना है जिसको लेकर पहले थी जब उन्होंने डेंगू मलेरिया से कोरोना वायरस से सनातन धर्म को कंपेयर किया, ये कहा कि इसको खत्म करना होगा पूरी तरीके से, मतलब माइंडसेट में कोई बदलाव नहीं है ना? ये कहा जाए कि ये नेता या आपके साथ की ये पार्टी या खुद आप भी अभी भी हिंदू विरोधी हैं क्योंकि पवन कल्याण ने नाम राहुल गांधी का भी लिया है। देखिए हिटलर का एक प्रचार मंत्री था जोजो गोपाल और उसके एजेंटिस्ट और प्रोपोगंडिस्ट थे, ये भाजपा की प्रोपोगंडे की टीम है, एक देशलाई गैंग बना था 2014 में भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को उस देशलाई गैंग में कई मुख्यमंत्री हैं, कई रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ प्रोपोगंडिस्ट हैं। इन्हें ये नहीं पता कि जेपी नड्डा जी ने कहा, मित्रों अब तो भगवान नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा हो गए, तब सनातन का अपमान नहीं होता है। संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ की नगरी में कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, तब सनातन का अपमान नहीं होता है। और हद जब हो गई जब नॉन बायोलॉजिकल पीएम ने कहा शायद पहले मैं समझता था कि मुझको मेरी माता ने पैदा करा है लेकिन मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रकृति द्वारा आया हूं। राम को उंगली पकड़ के ले जाते हैं, राम को भगवान को पॉलिटिसाइज करते हैं, चंदा खाते हैं, अयोध्या कॉरिडोर में चंदा कैग ने रिपोर्ट दी, शर्मनाक हरकतें, शर्मनाक बातें और सनातन के रक्षक बनेंगे। ये भारत जो है आदरणीय रोहन जी संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, यह तानाशाही नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार है और अगर आप में ताकत है और दम है और आप सनातनी है असली तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं करा 2014 से लेकर 24 तक, आप तो फुल मेजोरिटी में थे, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए अगर आप में दम और ताकत है, वरना शर्मनाक। आप ये एजेंडा बंद करिए, हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए, केवल केवल हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए ये सब चीजें आप लिख के आती है और आपका आईटी सेल एक सेल बनाकर चैनलों को भेज देता है। अजय वर्मा आखिर कब तक, अजय वर्मा उदयनिधि स्टालिन के बयान को आप लोग गप गप करते रहेंगे और उसको कवर अप करते रहेंगे? पूर्णिमा जी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपने उदयनिधि जी से भी पूछा, उनकी कई बार चर्चा हो चुकी है। तो क्या हुआ, उनकी सोच बदल गई क्या? लेट्स वेट एंड वॉच कहते हुए उनकी सोच बदल गई क्या, ये बताइए जरा मुझे। ये बताइए जब ये कहा जाता है कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे, वो कहते हैं लेट्स वेट एंड वॉच, तो लेट्स वेट एंड वॉच का मतलब क्या है ये बताइए? मैं बता रहा हूं, अभी भी वही हीन भावना है ना सनातन को लेकर? पूर्णिमा जी मैं सुन तो लीजिए 10 सेकंड। बोलिए। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं कि इस पे डिबेट कर रही हैं। आज प्रेमचंद वर्मा जो डिप्टी सीएम राजस्थान का हटाया गया है, भारत रशिया एकता को मजबूत कर रहे थे दिल्ली के किसी होटल में, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भारत की बेटियां कितनी शर्मशार है, भारत में स्थिति क्या है, महिलाओं की बलात्कारी सारे बीजेपी के या सेक्स स्कैंडल में सारे बीजेपी के क्यों माने जाते हैं। मैं पूछती हूं कि मेरे यहां पर मेरे दफ्तर में अगर कोई पोस्ट खाली हो
कि 6 बजे के डिबेट का टॉपिक तय करने वाले के लिए कोई पोस्ट अगर खाली हो तो मैं आज इस पर बात करती हूँ कि अजय वर्मा जी इंटरेस्टेड हैं अगर हम उनको रखना चाहें तो। एक बार मैं इस पर चर्चा कर सुझाव ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपके पास लौटूंगी कि ऐसा रोहन जी आपकी बात का जवाब देंगे, रोहन जी आपकी बात का जवाब दे देंगे। रोहन जी इन्होंने सारी बात कर दी, जैसे ही आपने उदय निधि स्टालिन के बयान के बारे में पूछा इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। आज सनातन का इतना अपमान है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो उनका अलाई है, वहां पे सरकार में उनके साथ है, एक शब्द उसके खिलाफ नहीं निकलता है। आप जब गाजा की बात करते हैं तब आपके मुंह से सब कुछ निकल जाता है, जब एक एमपी का अपमान होता है संसद में, मुसलमान एमपी का अपमान होता है तब उसको गले लगाया जाता है, आप एक शब्द नहीं बोल पाते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो मानसिकता है ये गलत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं हर धर्म का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर जाति का रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हिंदू धर्म का डिसरिस्पेक्ट हो आप मुंह में दही जमा के बैठे। मैं इसी के खिलाफ हूं, एक शब्द आज तक नहीं कहा, और ये पहली बार नहीं है। उदय निधि महाजन ने हजारों बार ये कहा है, और आज भी उसने क्या कहा, वेट एंड वॉच, हम देखते हैं। क्या कहने का मतलब है, ये क्या भाषा हो गई? तो आज जब आप अलाई के साथ में हैं, उसकी विचारधारा के अगर आप साथ में खड़े हैं तो आप देश के खिलाफ खड़े हैं, और ये जो चीज है ये टॉलरेबल नहीं है पूर्णिमा जी। सनातन का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते अगर ये अपमान होता है तो बोलने का आपका फर्ज है। अगर आप गाजा के बारे में बोलते हैं, एमपी के अपमान के बारे में बोल सकते हैं, राजा है नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी भी बोलेंगे, आप चुप नहीं रह सकते। जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा था संसद में, राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया था। आप अपने समय पे बोलिए। मुद्दा यहाँ पे पूर्णिमा जी यही हो गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से हर धर्म और जाति के नाम पे सनातन के अपमान के नाम पे तुष्टिकरण जो हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हाँ। हमारा देश है हर धर्म हर जाति का देश है, संविधान से चलने वाला देश है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र, कभी ये बात नहीं हुई है, सबका स्थान है, पर इसका अधिकार ये किसी ने नहीं दिया है कि सनातन के अपमान पे आप चुप रहे और तुष्टिकरण करें। ठीक है, जल्दी से स्वामी चक्रपाणि महाराज आपके पास आते हैं, फिर रमनीश जी दुष्यंत जी आपके पास आऊंगी, और फिर अजय जी आपका काउंटर लूंगी। स्वामी चक्रपाणि महाराज, दिक्कत मुझे इस बात से है, चाहे रोहन गुप्ता को किस बात से परेशानी है, अजय वर्मा को किस बात से परेशानी है, मैं अपनी परेशानी का भी जिक्र कर देती हूं। मैं ये समझना चाहती हूं कि आखिर हिंदुत्व को लेके या फिर सनातन धर्म को लेके हर जगह वो राजनीति के बिंदु में आकर क्यों लाकर खड़ा कर दिया जाता है। भाई आप सनातन को छोड़ दीजिए ना, सनातन अपने आप में इतना व्यापक है कि वो सबको समाहित करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसको जब राजनीति में बार बार घसीट कर लाया जाता है तो उसकी महत्ता को क्या कम करने की कोशिश अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए होती है? पूर्णिमा जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये प्रश्न उठाया है, और ये हृदय की वेदना आपकी नहीं बल्कि समस्त सनातन धर्मियों की है। अभी हमारे माननीय अजय वर्मा जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, नड्डा जी ने ये कहा। सवाल इस बात का है, आप विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी जो बोलती है उसको आप काउंटर करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसमें सनातन धर्म कहाँ से आ जाता है? जब स्टालिन बोलता है कि सनातन, स्टालिन टू जब ये बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है संक्रामक है, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उस पे क्या आप सनातन का सम्मान नहीं करते अजय जी? अगर करते या कांग्रेस पार्टी करती तो उसकी तुरंत उनको निंदा करती, तुरंत उनको खारिज करती, लेकिन सब मौन हो जाता है। अब मैं तो निश्चित रूप से पवन कल्याण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, एक सनातनी होने के नाते, यानी कि उप मुख्यमंत्री होने के साथ एक सनातनी है। और क्या सनातन धर्म तो सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् के सिद्धांत को मानता है, वो तो वसुधैव कुटुम्बकम को मानता है। भाई हम सनातनी होके पद पे बैठ के, हम कट्टर सनातनी होके मानव सेवा कर सकते हैं। हमारा ऋग्वेद सबसे पहले कहता है मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन आप यहाँ पे हमारे सब सनातनी भाई बैठे हुए हैं, सभी सनातनी है, लेकिन आप देखो इसमें विचारधारा भिन्न भिन्न हो जाती है। हमारे रोहन गुप्ता या बीजेपी या पूर्णिमा जी या हमने ही थोड़े ठेकेदार है, हम तो सिर्फ सनातन की रक्षा की बात करते हैं। आप पक्ष विपक्ष की लड़ाई लड़ो ना, आप राजनीति करो ना, लेकिन जब सनातन धर्म को ला देते हैं, कभी कोई मठ मंदिरों को जो है तुलना जो है गुंडों बदमाशों से कर देते हैं सार्वजनिक, अरे भाई आपको टिप्पणी करनी है योगी जी से सीधे करो। अब देखो वो प्रसाद में चर्बी क्या क्या मिला दिया, उस पे जो है एकदम दूसरी पार्टियां सब मौन हो गई। अब जब टिप्पणी आ गई माननीय कोर्ट का तो सब उसको लेके उछाल रहे हैं, यानी कि जो पहले था उस पे सब शांत था, अब उसको मुद्दा मिल गया। मूल विषय ये है कि कहीं ना कहीं
आपके राजनीति में सनातन धर्म को जो आप लेते आते हैं, अजय जी आपकी पार्टी लेते आती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें जो मौन स्वीकृति आप देते हैं ये कष्टकारक है। इस बहुसंख्यक देश में हिंदुओं का ही अपमान कब तक आप करते रहेंगे? हिंदुओं से बड़ा सहिष्णु कौन होगा? पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। जो देश विभाजन के बाद आपके कारण देश विभाजन हुआ, एक टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र हो गया, लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र का आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। और ये कहा भी था, गांधी जी ने भी कहा था हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सेकुलर बना करके नाश कर दिया। आज यहां हमारी हिंदू बहन बेटियों से लफ्ज याद हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। रामनवमी को शोभा यात्रा निकलता है तो ईंटे पत्थर चलते हैं। कभी आपने देखा कि मंदिरों से कभी ताजिए पे ईंटे पत्थर चलते हुए? लेकिन मस्जिदों से ही क्यों भाई चलते हैं ईंटे पत्थर? जब हनुमान जी का शोभा यात्रा चलता है मस्जिदों से ईंटे पत्थर चलने लगते हैं। तो अभी अल्पसंख्यक है तब हाल है, और उनका आप समर्थन करते हैं उनका बढ़ जाता है। समस्या यहां पर यही है जो अभी अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे थे कि सहिष्णु है, इसीलिए जिसका जो मन में आता है वो बोलकर चला जाता है, या ये सनातन की खूबसूरती है जो किसी को कुछ भी कह देने की इजाजत दे देता है? ये बिल्कुल सही कहा कि सहिष्णुता और हमारी जो दयालुता है, कृपालुता, ये सब हमारे स्वभावतः गुण है, खास करके सनातन धर्म का। और इसका गलत फायदा आज से नहीं, डायरेक्ट एक्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने तभी तो कराया जब हम सहिष्णु हो गए, और सहिष्णु और उदारता का परिचय हमने अच्छे तरीके से दिया, लेकिन उसके बदले में हमें खंजर घोपने का काम जो शुरू से आज मुगल काल से जो शुरू हुआ है और आज तक भी जारी है। और मुगल काल में तो मुगल चले गए, लेकिन मुगल के जो औलाद है अभी भी हमारे देश में घूम रहे हैं। पवन कल्याण की बात करता हूँ, तेलुगु सुपरस्टार, जिन्होंने आज सनातन धर्म को एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक तारीफ के काबिल है, इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से सामने रखा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जब डेंगू और मलेरिया का परिचय देते हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, उसके साथी प्रियांक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे जो अध्यक्ष हैं, उनके बेटे वो और आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म तो कुष्ठ रोग है। और अखिलेश भैया जी कहते हैं संत, हमारे संत महात्मा जो हैं मठाधीश, उनको माफिया से जोड़ देते हैं। राहुल गांधी जी और आगे निकलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हो रहा था, वहां तो नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, ऐश्वर्या राय जी वहां पे नाच रही थी, इस तरह की चीजों को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको कहां, उनको किससे प्यार है? उनको तो मुगल से प्यार है। मुगल में किसमें? बाबर के मजार पे चादर चढ़ाने के लिए कौन गए थे? नेहरू जी गए थे 1959 में, 1968 में चली गई थी इंदिरा गांधी जी, और 2005 में राहुल गांधी जी खुद गए थे। तो बाबर के मजार पे चादर चढ़ाने वाले को राम मंदिर से क्या प्यार? राम मंदिर प्रतिष्ठा से क्या लगाव रहेगा? राम मंदिर भगवान राम के प्रति उनका क्या श्रद्धा रहेगा, क्या स्नेह रहेगा, क्या आदर का भाव आएगा? और चूंकि सबसे बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि 1976 में संविधान में जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया ना वो सेक्युलर शब्द, मुझे लगता है वो हमारे देश के लिए, सनातनियों खासकर के लिए खतरा बन चुका है या अभिशाप बन चुका है। उसके जगह शब्द जोड़ना चाहिए तुष्टीकरण, ये बहुत अच्छा होता। आज सेक्युलर नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रहार किया जाता है वो हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। हिंदुओं को जाति जाति में बांट दो, जाति जनगणना कराओ उसको बांट दो, और मुसलमानों को एक मुस्त करके उसका वोट जो है ले लो। मुसलमानों को ये दिखाओ कि भैया हम सबसे बड़े सिपाहसालार तुम्हारे वही हैं, तुम्हारे एक बार, लेकिन एक भी जो सरकारी जो योजना होता है आज तक उन्होंने लाभ नहीं दिया। सबसे ज्यादा मुसलमानों को यदि किसी ने अशिक्षित किया है, बेरोजगार किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज राहुल गांधी सनातनियों के लिए एक शब्द नहीं निकला, उन्हें स्टालिन ने जब बयान दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उन्होंने 2014 में कहा था। चर्चा के दौरान प्रवक्ताओं ने कहा है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हाँ, राहुल गांधी स्पेसिफिक होकर राहुल गांधी का बयान नहीं आना चाहिए। दुष्यंत जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोलपोस्ट खुद कांग्रेस बार बार करती है, और ये एक ऐसा मुद्दा रहा जब स्टालिन की तरफ से बयान आया, फिर उसके बाद प्रियंक खड़के की तरफ से बयान आया, ये तो क्लियर हो गया कि साउथ से लेके सनातन को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी है वो बैकफायर कर गई है। खुद कांग्रेस को जब राहुल गांधी नाचगाना कह देते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हुए समारोह को, और इसको बीजेपी बुनाएगी, क्यों नहीं बुनाएगी? ऐसा ना कुछ तो नहीं कोई बैकफायर हो रहा है, ना कोई भुना पा रहा है, ना किसी ने कहा है।
उदयनिधि स्टालिन के बयान के ऊपर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने बयान जारी करके, बाकायदा उनकी बाइट है, उसका खंडन किया और कांग्रेस पार्टी को उससे अलग किया। बाबर की मजार पे जाने की जो कांग्रेस के नेताओं की ये बात कर रहे हैं, उसका कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जिन्ना जिसकी एक्शन प्लान एक्शन की वजह से, बंटवारे की वजह से 15 लाख लोगों की हिंसा हुई, उसकी मजार पे जाके चादर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चढ़ाई नहीं, उनको सेकुलर होने का सर्टिफिकेट भाजपा के नेताओं ने दिया, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि कल चुनाव है, चुनाव से पहले इनको भुनाना है, देश में नफरत फैलानी है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के झूठे बयान, तो ये दुष्यंत जी झूठे बयान, दुष्यंत जी बताइए, किसी कांग्रेस के नेता ने सनातन के तो क्या करना चाहिए? कोई आज तक कोई अब सब देख गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। जो बयान दिया वो बयान दिया ना उन्होंने, उदयनिधि स्टालिन की हर कांग्रेसी ने निंदा की, नहीं बयान दिया ना, लेकिन बयान दिया कि नहीं दिया ये बताइए। पवन खेड़ा जी कांग्रेस मीडिया के डिपार्टमेंट के हेड हैं, अभी भी इंडिया अलायंस में है ना भाई, लेकिन ये जबरदस्ती एमके स्टालिन की बात है कि नहीं है, झूठ गलबैया किए हुए हैं, जैसा अजय वर्मा जी ने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी अलग कर लेती है, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट था उसका एक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी ने अलग क्यों नहीं किया? कहीं लगता है अजय वर्मा जी ठीक कह रहे हैं, आप समर्थन देते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2014 में खुद कहा था, नहीं नहीं 2014 में खुद इस बात को माना था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सनातनियों को वोट दे रहे हैं। क्या बोलते हैं सनातनियों को वोट दे रहे हैं? आप सुन लीजिए ना जाकर, हाँ हाँ आपने सुना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, देखिए सुनिए, ये लोग जाकिर नायक जैसे लोगों को मसीहा मानते हैं, इनको रोकिए पहले, मेरा समय बोलिए, मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को, जैसे लोगों को ये हिंदुओं में कमियां हैं, मानते हैं, उन्हीं लोगों का जाति व्यवस्था है, लोगों के मैसेज फैलाते हैं जैसे मुसलमानों के बीच में, और वो बोलते हैं कि भैया सबसे बड़े स्वीकार करना हम ही है, कमियों को दूर करने की बात करना, राहुल गांधी का विरोध करना, राहुल गांधी ने क्यों नहीं विरोध किया? भागवत जी गांधी का बयान भी आया क्या? पूछना चाहता हूँ, रोहन गुप्ता जी का बयान जो है वो गलत बयान है, मैं क्या पूछूंगा, उदयनिधि स्टालिन का बयान जो है गलत बयान है, आज पवन कल्याण आज आ गया है सनातन के मोहन भागवत जी को स्वागत करना चाहिए ना, अगर आप उसको अगर दुष्यंत जी आज पवन कल्याण जैसे मुझे लगा भागवत तो रमेश जी, रमेश जी एक सेकंड, रमेश जी, रमेश जी रमेश जी रमेश जी एक सेकंड, रमेश जी एक सेकंड, रमेश जी एक सेकंड, सुनिए दुष्यंत जी, दुष्यंत जी अगर मोहन भागवत के कुछ कहने को आप आलोचना करना कहते हैं, तो अगर आप आलोचना, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, नहीं नहीं प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था, क्या कहा था प्रियंक खड़गे ने, जो कहा उसको आप मोहन भागवत के क्या कहा था, छुआछूत है, तो फिर नीच है, उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था, उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था बताइए, कांग्रेस ने कर लिया किनारा तो हो गया, बस लेकिन उदयनिधि स्टालिन का उदयनिधि स्टालिन के बयान को शामिल जरूर हर जगह किया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, आपके हिसाब से आप जिस प्रकार से करते हैं, क्या मुसलमानों में रोहन गुप्ता जी, इस बात को रोहन गुप्ता का काउंटर रखना चाहूंगी, रोहन गुप्ता का काउंटर लेना चाहूंगी, रोहन ठीक है, रमेश जी शांत, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल खंडन नहीं किया किसी ने कांग्रेस पार्टी में, ये कहा कि उनके अपने विचार है, आप बीच में बोले दुष्यंत जी, आपने आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने का ध्यान रखिए, बोलिए बोलिए, ये कहा कि हम उनके विचार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर हर पार्टी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, कहीं पे भी उसको कंडेम नहीं किया, कहीं पे भी कंडेम नहीं किया, अब क्या बात कर रहे हैं आप, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट जरा ठीक से, क्या कहा है, ये कहा कि हम उसके साथ नहीं खड़े, ये हमारा विचार नहीं है, पर हर पार्टी को स्वतंत्रता से अपना कर रखना अधिकार है, अब कौन सी बात करें, आपको डर लग रहा है कि अगर आपने सनातन के अपमान पे बोल दिया तो आपकी तुष्टिकरण की राजनीति खतरे में आ जाएगी, आपके वहां के मंत्री है वो सनातन के खिलाफ आप बोलते हैं, हर मुद्दे पे जब जब भी सनातन का अपमान हुआ तब कांग्रेस ने चुप्पी इसीलिए साधी है कि नहीं हमारी तुष्टिकरण की राजनीति खतरे में नहीं होनी चाहिए, ये देश के साथ मुझे नहीं लगता है कि जहां सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म हो वहां की जनता के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी है, अन्याय है, मैं स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहा हूं,
रहा हूँ, इससे बचना चाहिए। आप मेन ओपोजिशन पार्टी है, आप करोड़ों 70 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं की भावना से खेला जाता है तब आप चुप रहते हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि आपका अलायंस पार्टनर है, आपने बोल दिया उनकी स्वतंत्रता है। ये कैसी स्वतंत्रता है जो सनातन के अपमान पे भी चुप रहती है? ये कैसी स्वतंत्रता है जब गाजा के ऊपर तो आप बोल पाते पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है तब आपको चुप्पी करके रखना पड़ता है? ये कैसी स्वतंत्रता? आपके खुद के मंत्री सनातन के खिलाफ बोलते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है जब तुष्टीकरण करना होता है, जब एमपी का अपमान होता है संसद में तब आप उसको गले लगाते हैं? दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। ठीक है, आप करिए सर्वतंत्र संभव, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसने लाइसेंस दे दिया सनातन और हिंदू धर्म का अपमान हो, आप चुप रहेंगे और अपनी राजनीति मैं इसके खिलाफ हूँ। पूर्णिमा जी, तमिलनाडु की जनता में लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी चीज होती है, आपके मुंह पे तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी पे और इनकी सीटों को जवाब दे दिया ना, तमिलनाडु की जनता ने जवाब दे दिया सरकार को कि 38 में से कितने, बीच में नहीं बोला था राहुल जी प्लीज, मैं बीच में बोलने की बात नहीं है, लेकिन जिस आधार पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको कम से कम ऐसा तो रखिए कि ये ना लगे कि आप उदय निधि आप स्टालिन की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा तो कम से कम नहीं लगना चाहिए। जनता ने देश की सरकार के मुंह पे तमाचा दिया और सीटों पे बता दिया। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए, अभी एक सज्जन भाजपा के मुखौटे चेले सेल कंपनी के रूप में बैठे थे, अंग्रेज यहाँ बैठकर उस परंपरा को चला रहे, फूट डालो शासन करो, इस देश में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस देश में मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई काम नहीं है, देश कर्जदार हो गया 2,05,00,000 रुपए पे, प्रति व्यक्ति जो है बच्चा 1,50,000 रुपए कर्जदार है, मुसलमानों पर संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए, ये कहने वाला कौन था अजय जी? अजय जी, मुसलमानों पर संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए ये कहने वाला कौन था? कांग्रेस, ये कहने वाला कौन था? अजय जी, कौन था ये कहने वाला? पार्टी, अजय जी, कौन था ये कहने वाला कि मुसलमानों पर देश के संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए? ये भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, सुनेंगे यहाँ घोषित कर्फ्यू 2014 से अजय जी लगाया हुआ है देश में, उसे बंद कर दीजिए। अजय जी तक आवाज आ रही है? सब सनातनीय भगवान जी श्री राम सुन पा रहे, देश के कण कण में मौजूद है, सबके घर में रहते हैं, सुन पा रहे, पूजा करते हैं, और मैं आपको शुरू में एक चीज कहना भूलूंगा, अजय जी सुन पा रहे, मैं समस्त देशवासियों को, आपके चैनल को, स्वामी जी को, दुष्यंत जी को, रोहन जी को और भाजपा के कहां दिखे आप बताइए जरा, पहले तो आप काल्पनिक बता रहे थे ना 2014 की बात लगा कि नहीं, अब तो मोदी आ गया, अब तो हमें भगवान राम को मानना ही पड़ेगा, नहीं 2014 के बाद ये ध्यान में आ गया कि अब तो भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान राम को मानना पड़ेगा, पहले तो काल्पनिक लग रहे थे ना, राम सेतु का अस्तित्व आप मिटाने का प्रयास किया ही, राम सेतु का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया ही, भगवान राम के लिए आप 500 वकील लगा दिए कपिल सिब्बल जैसे फर्जी लोगों को, तब तो आपको काल्पनिक लगा था, और आज जो है, लेकिन शायद मेरी बात अजय जी तक पहुंची नहीं, राहुल गांधी को रमनीश जी शायद अजय जी तक मेरी ये बात पहुंची नहीं, जब मैंने उनसे ये पूछा कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर ज्यादा अधिकार है, ये बयान देने वाला कौन था और किसकी पार्टी से ताल्लुक रखता था? ठीक है, मुझे मत बताइए क्या बयान था साहब, मुझे मत बताइए क्या बयान था अजय जी, ट्विस्ट और टर्न करने में आप बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन वर्बेटम मुझे याद है, मनमोहन सिंह का वर्बेटम मुझे याद है, क्या उनकी तरफ से कहा गया था? रमनीश जी आप क्या कह रहे थे? रमनीश जी मैं कहना चाह रहा था, नहीं सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा पूर्णिमा कि जब जब सनातनियों की बात होती है कौन ऐसे नेता इनके नहीं निकले हैं, आप इन्होंने गीता को जिहाद से जोड़ दिया था, कौन है भैया? सलमान खुर्शीद जी, इन्होंने आरएसएस को ब्रदरहुड से जोड़ देते हैं, राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी ने खुद, राहुल गांधी को अब जाकर के सूझ आया होगा कि हाँ भगवान राम कण कण में, लेकिन इसके पहले तो उन्होंने काल्पनिक बताया ही था ना, उनकी पूरी पार्टी लग गई थी प्रभु राम को के अस्तित्व को मिटाने के लिए, कौन ऐसे था कि नहीं लगा हुआ था? और जब जब सनातनियों का अपमान होता है आप कहां थे राहुल गांधी जी? डेंगू और मलेरिया से जब तुलना होती है सनातनियों की, आप कुष्ठ रोग से जब होती है तुलना सनातनियों का, आप कहां थे? आप खुद नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा था कि मोदी को वोट देने का अर्थ है सनातनियों को मजबूत करना, 80 करोड़ की आबादी सनातनियों को कौन आज कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? मुझे एक प्योर राजनीतिक विश्लेषक की तरह जरा जवाब दीजिए इस बात का, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि दक्षिण में ये हिंदुत्व या सनातन जैसा मुद्दा पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल गेन है दक्षिण में? आप इसको पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? नहीं मैं नहीं कर रही हूं, नेता करते हैं, मैं बिल्कुल सब करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम सनातनी हैं?
80 करोड़ की आबादी क्या साउथ में सनातनी नहीं है? नहीं, साउथ में सनातनी नहीं है। मैंने कहा कि वहां की पॉलिटिक्स में, वहां की पॉलिटिक्स में, क्योंकि पवन कल्याण का बयान आपको पॉलिटिक्स लग रहा है? मैं अन्ना द्रमुक, सुनिए मेरी बात, मैं डीएमके की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वो किस तरीके से हिंदी विरोधी रही है या किस तरीके की पेरियार से लेकर रही है, उसकी चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है ना। इसीलिए उनके लिए बहुत आसान था सनातन धर्म के बारे में बात करना, इसीलिए शायद उनके लिए आसान था उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना। लेकिन मैं पवन कल्याण का जिक्र कर रही हूं कि पवन कल्याण को लेकर आखिर क्या वजह उनकी रही कि अचानक से वो फिर से ये इशू लेकर आए, उन्होंने स्टालिन का जिक्र कर दिया। सबसे पहले देखिए, पवन कल्याण का जो बयान आया है, इसके पहले क्या हुआ कि लड्डू में क्या मिलाया जाता है, दीप से लेकर के कितनी मछली और मांस, बहुत तरह की चीजें मिलाई जाती थी, ये कितना बड़ा घोर अपमान है सनातनियों का। उसके बाद फिर बात करते हैं पवन कल्याण की, क्या पवन कल्याण का हक नहीं है? आज मुसलमानों की जो पैरवी कार बने बैठे हैं, जो मौलाना बन के बैठे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो अपने आप को मौलाना सिद्ध कर, जाकिर नायक जैसे लोग अपने आप को साबित करने का जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो पैरवीकार हो सकते हैं? तो पवन कल्याण सनातनियों के लिए पैरवीकार नहीं हो सकते है। क्या वो नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज सनातनियों का लगातार अपमान होता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई। मुझे लगता है कि पवन कल्याण ने जिस तरह की आवाज उठाई है देश में, और खास करके तेलंगाना में, अब कौन सा चुनाव है आप बताइए, तेलंगाना में कौन सा चुनाव चल रहा है? स्वामी चट्टोपाध्याय कोई चुनाव चल रहा है क्या? लेकिन आज सबसे बड़े सनातनियों का जगाने के लिए रमनीश जी, अब समय थोड़ा सा कम, साउथ में ठीक है, थोड़ा समय कम है उसको, बस आती हूं। सितंबर 2023 को पवन खेड़ा ने उदय निधि स्टालिन के बयान का खंडन किया था। राहुल गांधी जी ने कब सनातन के विषय में गलत बोला? कब मार के आते उदय निधि स्टालिन को? उन्होंने इन्होंने बड़ी बात कही थी अभी कि इन्होंने कहा था राम को काल्पनिक, मैडम मैं चला जाऊंगा अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो। कब प्लीज, राहुल जी ने कब राम को काल्पनिक बोला था? या तो ये यहाँ दिखाएं, सबूत दिखाएं, अदरवाइज ये माफी मांगे, और अगर ये माफी नहीं मांगे तो मैं डिबेट में इनके ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। बोला दुष्यंत जी, इन्होंने बोला राहुल जी के लिए, बोला कैटेगोरी के लिए, बोला यहाँ पे इन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारा राहुल जी ने, गलत बोला ये उसके विषय में दिखाएं यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए दुष्यंत जी, जो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम था वो आपको नाच गाना लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको उसको छोड़िए जी, मैं क्यों छोड़ूं? इन्होंने कहा, मैं क्यों छोड़ूं? राहुल गांधी जी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, छोड़िए, ये बड़ा बयान है। आप मेरी बात सुनिए, आपके चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में व्यक्ति बैठा है। सर सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब एक्सपोज्ड है। विचारधारा नहीं है, ये तथ्य है, सब एक्सपोज्ड है, ये तथ्य होना चाहिए ना। मैं ये बोल रहा है तो तथ्य आना चाहिए, मैं तथ्य दे रहा हूँ आपके यहाँ। पवन खेड़ा ने खंडन किया उदय निधि स्टालिन का, मैं ये पूछ रही हूं 7 सितंबर 2023 को किया। सनातनी है ना दुष्यंत जी? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे, सनातनी है या नहीं मुझे ये बताइए। आपको नाच गाना लगता है राम मंदिर में जो हुआ? आप इनके, आपको नाच गाना लगता है? नाच गाना लगता है आपको राम मंदिर का भव्य समारोह? नाच गाना लगता है आपको? कोई भी आके राहुल गांधी को क्यों लगता है ये बताइए? राहुल गांधी को क्यों लगता है ये बताइए? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ ना दुष्यंत जी। मैं भी तो आप रोल रिवर्स कर लीजिए, फिर मैं बन जाती हूँ राजनीतिक विश्लेषक, झूठ बोल रहा है, आप बन जाइए एंकर, गलत तथ्य रख रहा है। ऐसे नहीं उसको चाहिए, सच था, ठीक है, आपको नहीं देना है। गलत बात है, रमनीश जी, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। देश के आपके टर्न पर और आपको अच्छा खासा समय मिला है, सर मत करिए, उनके लिए कुछ भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं? अगर मैं याद दिला दूं, नेता प्रतिपक्ष, मैं दिलवाने आया हूं, मैं आपसे सवाल पूछने आई हूँ और आप जवाब देने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। स्वामी चक्रपाणि महाराज, स्वामी चक्रपाणि महाराज आपका टेक, सर फिर उसके बाद रोहन जी और अजय जी आपके पास आती हूँ। जी पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में परमात्मा की प्राप्ति के और परमात्मा की गान करने के लिए तीन चीजें बताई गई है। ज्ञान से परमात्मा को प्राप्ति किया जा सकता है, भक्ति और वैराग्य से, यानी तीन प्रकार से, ज्ञान भक्ति वैराग्य। हमारे यहाँ हर मंदिरों में, हर आश्रम में कीर्तन होता है, भजन होता है, तो सवाल हमारा पूरा सामवेद में निरसंगीत है जिसमें भगवान की स्तुति है। सवाल इस बात का है कि अब राहुल जी अब इस तरह करते कि वो तो डांस हो रहा था,
अरे भाई पहले सनातन धर्म को समझो, वहां पे अगर जो भजन हो रहा है कीर्तन हो रहा है तो आप उसको दूसरे तरीके से ले जा रहे हो। देखिए हम माननीय दुष्यंत नागर जी बहुत ही विद्वान है बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि रमनीश जी ने जो ध्यान आकर्षण कराया बहुत अच्छी बात उन्होंने जो की, कि आप देखिए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अगर जो मोदी जी को आप वोट दोगे तो सनातन का राज आ जाएगा, सनातन के राज को हटाना है। अब दुष्यंत नागर जी आप तो विद्वान है, आप बताइए सनातन से अब आप वहां कहां बीच में आ गया? अरे भाई बीजेपी की राज आ जाएगी, अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं, तो सनातन से ही लड़ने लगते हो। मेरे पास अंतिम के दो मिनट है, मेरे पास अंतिम के दो मिनट है, टाइमर रखेंगे 30 सेकंड का टाइमिंग रखेंगे। रोहन गुप्ता जी अपना काउंटर रखेंगे, 30 सेकंड का समय दे रही हूँ सर आपको। रोहन जी के साथ 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। रोहन जी देखिए पूर्णिमा जी, पूरी डिबेट का क्रक्स देखेंगे, जब भी आपने सनातन के अपमान के ऊपर पूछा तब ये कहा ये कुछ नहीं हुआ, सनातन के अपमान के ऊपर चुप्पी साधना या तो कांग्रेस की मजबूरी है या उनकी चॉइस है, जो भी हो, पर ये देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बार आप देखिए कि जो MIM के जो मुखिया है, आज वक्त बोर्ड का एक ड्राफ्ट आया है, सबका वो रिजोल्यूशन के लिए सबके सजेशंस मांगे, मुसलमान भाई बहनों को भड़काया जा रहा है, रैली की जा रही है, ये क्या है? और यहाँ पे अपमान हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, उसके ऊपर भी इनको आपत्ति है, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। और कभी भी जब भी सनातन का अपमान उदयनिधि ने कहा है तब ये कहा गया उनके अपने विचार। ठीक है अजय जी 30 सेकंड का टाइम जी। जी जी देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी की भावनाओं को लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश का 99% जो गरीब मजदूर SC ST के लोग है वो नहीं आए। नाच गाने में तो आशाराम बापू के साथ नरेंद्र मोदी जी नाच कर रहे थे मंच पर, और आज कहाँ है आशाराम बापू और वो डांस कर रहे थे, वो वीडियो आपको भेज दूं तो देश उससे भी पूछ रहा है कि डांस करते थे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आशाराम बापू के साथ, और आशाराम बापू आज बलात्कार के जेल में है। अब आप ये कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पूर्णिमा जी, प्लीज ठीक है आप बोलिए अपनी समझ की बात करिए, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए तो राहुल गांधी ना तो सनातन के विरोधी हैं, ये एजेंडा चला रहे हैं, ठीक है, ये हार रहे हैं हरियाणा 60 सीटों से, ये हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इनका एजेंडा नहीं चलेगा। ना कोई मुद्दा ऐसा खड़ा किया जाता है कि बहुसंख्यक अंग्रेज के खिलाफ मुखौटे चेहरे सेल कंपनी के रूप में बैठ गए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और देश में ये पूछना चाहता है, अजय जी आप वन वे कम्युनिकेशन में चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है सर।